डियर स्टूडेंट, मैं आपका प्यारे पांडे सर और आपका छोटा नन्ना मुन्ना सा चैनल मैकेनिकल पंडित, और आज हम लोग जो देखने वाले हैं ये स्प्रिंग बिल्कुल, आज हम लोग ये स्प्रिंग देखेंगे, क्योंकि ये हेलिकल स्प्रिंग लेक्चर नंबर 33 से लेकर के लेक्चर नंबर 46 तक हम लोग देख चुके हैं। और आज ये जो लेक्चर नंबर हमारा 46 है वह है ऑल अबाउट द लीफ स्प्रिंग। इसको बोलते हैं लेमिनेटेड स्प्रिंग या लीफ स्प्रिंग। अब ये लीफ स्प्रिंग का जो है बहुत सारे जगहों पे आप देखे होंगे, ठीक ना, और आज और भी कई सारे जगह देखे होंगे आप, लेकिन याद नहीं होगा, तो वहां आज मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। जैसे ये आप देख रहे हैं, रेलगाड़ी जरूर चढ़े होंगे, ठीक ना, इस पे शायद ना चढ़े हो, मालगाड़ी, ठीक ना, ये भी मालगाड़ी का ही जो है यह है। और ये देखिए एक इंट्रोडक्टरी जो है, मैं लीफ स्प्रिंग दिखा रहा हूँ कि ये नीचे यहाँ सेंटर बोल्ट लगा होता है, ये आई इंड है, ये सब हम बताएंगे। और कभी ना कभी आप कहीं ना कहीं, या हो सकता है अपने घरों में ही इस तरह के सोफिस्टिकेटेड चेयर में खुद बैठे होंगे या दादाजी को बैठते हुए देखे होंगे। ये आप देखिए, अभी तक हेलिकल स्प्रिंग का आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे और यही है आपका लीफ स्प्रिंग। ये जो है आई इंड बोलते हैं और ये भी आई इंड है, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है इंड कनेक्शन जो लोड बियर करता है, ठीक है। डिफरेंट प्लेसेस पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी लीफ स्प्रिंग देखेंगे, तो ये बेसिकली दो टाइप का होता है, एक सेमी इलिप्टिकल और दूसरा फुल इलिप्टिकल। फुल इलिप्टिकल को सिर्फ इलिप्टिकल ही बोलते हैं, ये सब सेमी इलिप्टिकल है। और ये कैंटिलीवर लीफ स्प्रिंग है, ठीक ना, सिंगल साइडेड, ठीक ना, जिसको कि क्वार्टर इलिप्टिकल स्प्रिंग भी बोलते हैं। अब लीफ स्प्रिंग को ही जो है कई जगह पे हम लोग जो है फ्लैट स्प्रिंग बोलते हैं, ठीक ना, और जो है बीम स्प्रिंग भी इसको बोलते हैं। और चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मल्टीपल लीव्स, लीव्स मतलब क्या होता है, पत्ती, ठीक है ना, पेड़ का पत्ता, ठीक है, उस टाइप से ही यहाँ पत्ती है, इसको हिंदी में कमानी भी बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एक जो है यहाँ पे सबसे ऊपर फुल लेंथ का है, इसके नीचे जो है यही सेम मटेरियल सेम चीज है लेकिन इससे छोटे लेंथ का है, उससे नीचे और छोटे लेंथ और छोटे लेंथ, इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसको हम लोग नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं ग्रेजुएटेड लीव्स और सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं मास्टर लीफ। ये आप एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, ठीक ना, ये आप देखे होंगे जितने भी हेवी मोटर व्हीकल्स हैं उसमें कहीं ना कहीं लीफ स्प्रिंग ही यूज होता है, ठीक ना। अब मटेरियल जनरली प्लेन कार्बन स्टील यूज होता है, ठीक ना, क्योंकि इलास्टिक होना चाहिए और इसकी इलास्टिसिटी जो है, इलास्टिक वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना, बहुत ज्यादा मतलब कि रेट ऑफ डिफ्लेक्शन शुड बी वेरी मिनिमम इवन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ टू मच लोड, डिफ्लेक्शन शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल, पहला चीज। दूसरा चीज कि फटिग स्ट्रेंथ शुड बी वेरी हाई, जिसको कि एंडोरेंस स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। दोस्तों परेशान मत होइएगा, अभी ये जो नोमेनक्लेचर्स हैं उसको हम पूरे डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। ध्यान दीजिए, ये है हमारा लीफ स्प्रिंग, ठीक है। अब देखिए इसको बोलते हैं हम लोग सेंटर बोल्ट और ये बोलते हैं यू क्लिप, ये यू क्लिप, ठीक है ना, और ये सेंटर लीफ। सेंटर जो है बोल्ट के लिए, ये सभी जो है जो भी आप लीफ बनाते हैं उसके बीच में होल करना जरूरी है, ठीक है, और यही बेसिकली जो है लोड बियर भी करता है, ठीक है, यही जो है सपोर्ट करता है और यही कनेक्टेड होता है कहाँ पे, एक्सल पे, ठीक है ना, एक्सल दैट मीन्स की मोटर एक्सल। अब यहाँ पे ये यू क्लिप ये सभी लिप्स को एक साथ रखने के काम आता है और ये जो है आपका लोड यहाँ पे कनेक्टेड है और यहाँ पे कनेक्टेड है और यहाँ पे एक्सल के ऊपर ये फिट होता है। इस डिस्टेंस को बोलते हैं केम्बर, ठीक है ना, और जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो सकता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे भी कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ लीफ स्प्रिंग कैन बी इक्वल टू दिस केम्बर, ठीक है ना, इतना ही मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो सकता है, इसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा,
ठीक है, और इसको बोलते हैं आई, ठीक है, स्प्रिंग आई, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड कनेक्शंस हम लोग लेक्चर नंबर 34 में देखे हैं, ठीक है। तो वहां पे हमने एंड कनेक्शन नहीं बताया था, आज मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए किस टाइप का जो है एंड कनेक्शन है। जनरली ये आई एंड कनेक्शन होता है, और ये जो है आपका ग्रेजुएटेड लीव्स, इसका शेप क्या होगा, ये ट्रेंगुलर भी हो सकता है, ठीक है, आप देख सकते हैं, एक शेप भी हो सकता है, स्क्वायर शेप भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। अब ये हेलिकल स्प्रिंग का देखिए यहाँ पे एंड कनेक्शन है, अभी बात कर रहे थे, और यहाँ पे एंड कनेक्शन देखिए आई एंड है कि नहीं, ये क्या है आई एंड, और ये किस तरह से डिफ्लेक्ट होता है आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे आपका लोड लगा कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, और ये नीचे से आपका 2W लग रहा है, ये W W, और इधर नीचे से बबलू मतलब 2W, ठीक है। यहाँ पे कैंटिलीवर बीम, अब देखिए ये कैंटिलीवर बीम के जो है एग्जाम्पल लेकर के हमने बेंडिंग स्ट्रेस और डिफ्लेक्शन निकाले हैं, लेकिन लेकिन आप कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे, स्ट्रेस और डिफ्लेक्शन इक्वल आएगा, कोई फर्क नहीं आता है, कोई डिफरेंस नहीं आता है, बिल्कुल नहीं, मेथड कोई भी हो आंसर वही मिलेगा, डेराइवेशन वही मिलेगा, देयर विल बी नो डिफरेंस एट ऑल। अब एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज दी निपिंग, निप इसको जो है जो आपका मास्टर लीफ है, इसको फुल लेंथ लीफ भी बोलते हैं, मास्टर लीफ भी बोलते हैं, और इसके नीचे जो ग्रेजुएटेड लीव्स है इनके बीच कुछ इंटेंशनल गैप छोड़ते हैं, इंटेंशनल गैप छोड़ते हैं, क्योंकि इनका डिफ्लेक्शन, ठीक है ना, और इनके डिफ्लेक्शन में देर इज ए डिफरेंस, स्लाइट डिफरेंस, और जो डिफरेंस होता है इसके फुल लेंथ लीफ में और ग्रेजुएटेड लीफ में, ये इंटेंशनली हम लोग छोड़ देते हैं ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, तो वो जब छोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं निप, और निपिंग ऑफ द स्प्रिंग हम आपको लेक्चर नंबर, ठीक है ना, लेक्चर नंबर 49 में, ठीक है ना, निप जो है लेक्चर नंबर 48 में है, सॉरी, हम जो है निपिंग ऑफ द स्प्रिंग पूरा डिटेल में बताएंगे। ये लीफ स्प्रिंग का छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, सिर्फ लीफ स्प्रिंग हम दिखाना चाह रहे थे कि लीफ स्प्रिंग होता क्या है, कैसे इसका एप्लीकेशन होता है इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल में। इसके बाद के वीडियो में आपको डिजाइन ऑफ द लीफ स्प्रिंग फुल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ लेक्चर नंबर 47 में मिल जाएगा, और साथ में ही आपको निपिंग ऑफ द स्प्रिंग और स्प्रिंग जितना आपने पढ़ा 15 से 20 लेक्चर, ये सभी का समरी आपको लेक्चर नंबर 49 में मिल जाएगा, और मशीन डिजाइन में तो आपको 300 से ज्यादा वीडियो मिलेगा। आई होप कि इसको आपने समझा, इसको आप ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, और ये तो कर ही चुके हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और सदा मुस्कुराते रहिए।